हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आईबीएम का जो मेल रिलेटेड जितने भी डाउट थे, और आपको पता होगा बहुत लोगों को आईबीएम का मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था उन लोगों को भी पास भी मेल आया होगा। टोटल दो तरह के मेल आए हैं, आपका पहला जो मेल है वो आपका एकोमोडेशन फॉर्म का मेल है, दूसरा जो आपका कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन का मेल। मैं भी दिखाऊंगा आपको हमारा मेरा मेल, और उसके बाद करेंगे कि इसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, किस तरह से फिलअप करना है, सर्वे फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, अकोमोडेशन फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर ये देखेंगे ये जो मेल आई है 22 घंटे पहले 31 मार्च 2021, ये दोनों मेल जो है एक साथ में आई है। पहला का नाम है आपका आईबीएम इंडिया कंप्लीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और सेकेंड वन का नाम है आपका योर आईबीएम एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप आईबीएम रिक्वायरमेंट नो रिप्लाई। ठीक है, तो दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आप लोग मेल चेक कर लीजिएगा आपको कहाँ से आया है। देखेंगे तो यहाँ पर brassing.com, मतलब जिसके आपने जब अप्लाई करा होगा, आप लोग को ध्यान में आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने brassing.com से हायर अप्लाई करा होगा। जैसे टीसीएस आई एन हब होता है, ठीक है, टेक महिंद्रा का आपका मेटल होता है, इसी तरह आईबीएम का जो होता है वो brassing.com होता है। इसके थ्रू से कंपनीज जो होती है वो हायरिंग करती है, हर एक कंपनी का अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है हायरिंग के लिए। ठीक है, देखिए तो मेंशन कर रखा है कि पहले हम बात कर लेते हैं इसका, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का। देखेंगे तो मेंशन है कि डियर मेरा नाम लिखा हुआ है, रेफरेंस योर टू योर जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन। देखेंगे तो पोजीशन का नाम यहाँ मेंशन नहीं है। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंप्लीट द फॉर्म बाय क्लिकिंग फॉर्म बिलो, आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना। देखेंगे तो प्लीज कंप्लीट द फॉर्म विद इन 24 आवर्स फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ दिस मेल। ठीक है, और रिव्यू फॉर द कंडीचर फर्चर। देखेंगे तो मेरा 22 घंटे हुए हैं और यहाँ पर मेरा जो है 24 आवर्स का टाइम है, अभी मुझे फिलअप करना होगा। बिहेवियर फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन इश्यूइंग ऑफर लेटर ऑन बिहाफ ऑफ वगैरह 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 मेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस नंबर है। सिंपल हमको आपको सिंपल इस फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर जैसे आप इस फॉर्म पर क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप कंट्री कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आप इंडिया कर लेना है। टाइटल आपको लिख देना आप कौन से हो, मिस्टर मिसेस जो भी है, फर्स्ट नेम आपको लिखना है, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, और प्रीफर्ड नेम आपको अगर है तो लिख सकते हो। हैव यू एवर वर्कड इन आईबीएम बिफोर, अगर आपने कर रखा है तो, अदरवाइज नो। हैव यू एवर वर्कड इन आईबीएम बिजनेस पार्टनर, नो। हैव यू एवर साइंड एक्सेप्टेड अदरवाइज सब्जेक्टेड टू रिसीट, नो। और हैव यू एवर वर्कड इन गवर्नमेंट आइदर सिविल, नो। अ करेंट और मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयर, अगर आपका नहीं है कोई कंपनी तो आप सिंपल N/A भी डाल सकते हो, जिसे मेरा जो कंपनी में इसके यहाँ पर नाम मेंशन कर दूंगा। वर्क ऑथराइजेशन लिखना, आर यू एलिजिबल टू वर्क कंट्री फॉर अप्लाइंग फॉर दिस स्पॉन्सरशिप, येस आप एलिजिबल हो। और कंट्री फॉर सिटीजनशिप आप में आपको इंडिया कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर आपका जो भी है, मेल जैसे मेरा मेल, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेना। डिसेबिलिटी नहीं है, अगर आपका कोई है तो आप येस कर सकते हो, ठीक है। और ग्लोबल ब्रांचिंग यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप है, और यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको फॉर्म को फिलअप करना, फिर सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे, सामने ऑप्शन आएगा योर फॉर्म सेव्ड, यू कैन क्लोज द दिस विंडो ना, आपको सिंपल इस फॉर्म को क्लोज कर देना है। उसके बाद सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं इस मेल का, जिसमें आपको मेंशन लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन रीचिंग द नेक्स्ट स्टेप आईबीएम हायरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस स्टेप यू विल बी आस्क टू कंप्लीट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट सो दैट वी कैन लर्न मोर अबाउट यू बिफोर यू स्टार्ट असेसमेंट प्रोसेस। हाउएवर यू वी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इफ यू हैव अ डिसेबिलिटी एंड नीड एन एकोमोडेशन। ये बेसिकली अगर आप डिसेबिलिटी हो, मतलब अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपका कोई शरीर में वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है, तो आप इसमें एकोमोडेशन ले सकते हो ड्यूरिंग योर फुल टाइम और इंटर्न, जब भी आपको कंपनी बुलाएगी वहाँ पर काम करने के लिए। तो जो आपका लोकेशन होगा, मे बी बेंगलोर और पुणे या फिर महाराष्ट्र, कहीं भी आपका हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आईबीएम के ऊपर में। वी और ये देखेंगे तो प्लीज कंप्लीट द फॉर्म विद इन 24 आवर्स में, 22 आवर्स है, 24 आवर्स में नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ फटाक से। यहाँ पर सिंपल आपको इस अकोमोडेशन फॉर्म पे क्लिक करना, और देखेंगे नोट यू विल नीड अ कंप्लीट द फॉर्म पे पार्ट ऑफ अ हायरिंग प्रोसेस, ठीक है ना, ईच हायरिंग प्रोसेस, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट देखेंगे तो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वगैरह वगैरह पर मेंशन यहाँ पर है। ये पूरा फुल मेल है जो मुझे इसके बाद में आएगा, ठीक है, सिंपल आपको इस फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मेंशन है कि डू यू रिक्वायर्ड एकोमोडेशन, आई नीड रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर एडजस्टमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आई डू नॉट रीजनेबल एकोमोडेशन, आपको डिपेंड कर। देखिए यहाँ पर देखेंगे अच्छे से फॉर्म पढ़ लीजिएगा, आई बी मीज ए कमिटेड टू द एम्प्लॉयमेंट विद डिसेबिलिटीज, इफ़ यू हैव अ डिसेबिलिटी एंड मे बी एकोमोडेशन टू कंप्लीट असेसमेंट प्रोवाइड द ईमेल, चूज आई नीड रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर एडजस्टमेंट फॉर द अदर ऑप्शन बिलो द नेक्स्ट स्टेप सम एग्जाम्पल ऑफ एनी वाई एनी अकोमोडेशन ऑफ रीजनेबल एडजस्टमेंट मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग असेसमेंट, इंक्लूड
देखेंगे पूरा मेंशन करा हुआ है। अगर आपका नहीं है तो आप लिख सकते हो, अगर आप डिसेबिलिटी, अगर आपका डिसेबिलिटी कुछ भी प्रॉब्लम आपको है तो आप लोग लिख सकते हो येस, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आई डो नॉट रीजनेबल अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट, क्योंकि अगर आपका डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो कर सकते हो। यू हैव इंडिकेटेड यू डो नॉट रीजनेबल एडजस्टमेंट और अकोमोडेशन टू कंप्लीट द असेसमेंट, ऑन वंस यू सबमिट यू विल रिसीव एन ईमेल विद नेक्स्ट स्टेप टू कंप्लीट द असेसमेंट। ठीक है, अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको सबमिट पर यू इंडिकेटेड दैट यू हैव अ रीजनेबल एडजस्टमेंट अकोमोडेशन टू कंप्लीट द असेसमेंट। ठीक है, आपको डिपेंड करता है आपका जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दो आपके सामने ऑप्शन आएगा फॉर्म सक्सेसफुल सेव्ड, यू कैन क्लोज दिस विंडो नाउ। ठीक है, आपको ये क्लोज कर देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप ये सबमिट कर दो आपके बाद, उसके बाद आपके सामने आपका असेसमेंट का मेल आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर देखिए तो आपको इसे मेल आएगा आपको उसके बाद सबमिट करने के बाद। ठीक है, विद इन सम टाइम के अंदर आपको आ जाएगा, लिखा जाएगा ग्रीटिंग फॉर पाइबीएम, वी आर प्लीज टू इनवाइट यू टू फॉर द फर्दर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, काइंडली रीड थ्रू द इनविटेशन मेल फॉर द कंप्लीट डिटेल्स, विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल वेबएक्स फॉर द प्रोसेस, इंश्योर टू राइट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज पर द गवर्नमेंट आईडी व्हाइल लॉगिंग इन टू द वेबएक्स। ठीक है, आपको प्रोसेस क्या होने वाला, पहला आपका कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट होगा जो आपका 30 मार्च मतलब कि कल इनका हो चुका है, स्टार्ट टाइमिंग 4 PM। वेबएक्स का लिंक आपको यहाँ पर देखने को आ जाएगा, द टाइम विंडो फॉर यू टू लॉग इन टू द वेबएक्स वुड ओनली बी 10 मिनट्स 4 to 10 PM। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, टेस्ट टेस्ट विल बी कम्युनिकेट, और ये थोड़ा सा आपका इजी टाइप मॉडरेट टाइप में होगा, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। टेस्ट डेट आपका डेट विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली, आपका ये कॉग्निटिव क्लियर करते हो तो फिर आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ स्कैन डाउनलोड सॉरी प्लीज़ स्कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इन आईबीएम कैंडिडेट पोर्ट बिफोर 28 मार्च 6 PM, रिफर टू द लिंक वगैरह वगैरह, आपको भी ये सब आ जाएगा मेल। ठीक है, आप लोग अपलोड करने के डॉक्यूमेंट का जो भी आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड, कॉलेज का आईडी का, कॉलेज का सर्टिफिकेट, जो भी है आपका, जो भी आपका है रिज्यूमे से लेकर आपका सेमेस्टर रिजल्ट से लेकर 10th 12th का रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह, आपको सब कुछ वहाँ पर मेंशन होगा आप लोग क्या क्या अपलोड करना है, आप लोग अपलोड कर देना। ठीक है, जैसे आप इस राउंड क्लियर करते हो उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का मेल आएगा, कैंडिडेट हुआ क्लियर द कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट विल रिसीव द इनविटेशन मेल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट विद द टेस्ट टाइम एंड द लिंक टू लॉगिन। आप उसके बाद आपका इंटरव्यू, और आईबीएम में सबसे अच्छी बात ये है ना, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक, आप जब पोर्टल पर जाओगे वहाँ पर आपको देखने का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो है प्रोफाइल जो है आपका सिलेक्ट हो चुका है, आपका ऑफर लेटर जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में आपको सारा कुछ जो भी था मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। आप लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग थोड़ी देर वेट करना, आप लोगों को जो असेसमेंट का लिंक आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया फॉर्म कैसे फिलअप करना, सर्वे मेल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी को भी कोई भी डाउट होगा किसी भी रीज़न से आप हो तो प्लीज़ एक बार आप लोग कुछ भी कमेंट करने से पहले अपना रीज़न को जरूर मेंशन कीजिएगा कि सर मेरा अभी तक ये मेल नहीं आया है, मैं इस रीज़न से बिलोंग करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को फिगर आउट कर सकूँ। तो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।